अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। दिस इज शखामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम अपने नोट्स को ऐड करने जा रहे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने नोट्स को ऐड करते हैं। तो नोट्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे? स्टेट के अंदर जाएंगे। द रीज़न इज़ डैट, क्योंकि हम किसको यूज़ कर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ पर जाएंगे? यहाँ पर इसमें चले जाएंगे हम जल्दी से। इसमें कहाँ पे? नोट्स स्टेट में। और सेकेंड हमारे पास, मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, तीन कमेंट्स जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। यहाँ पर कर देता हूँ ऐड नोट्स, और क्योंकि हम तीन फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे जो कहेगा एक ऐड का, एक डिलीट का और एक अपडेट का। ठीक है, एक डिलीट का और ये एक अपडेट का। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे फंक्शन बनाना चाहूँगा। तो स्ट्रेट अमू में ये क्या हो रहा है? तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहूँगा। ओके, तो यहाँ पर एक फंक्शन मैं बना लूँगा, एडिट आर नोट्स। तो यहाँ पे इसके बाद हम मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे आया और सबसे पहले एक एरर फंक्शन बना लूँगा। वो एक एरर फंक्शन कॉन्स्ट होगा, कॉन्स्ट करेंगे। कॉन्स्ट करने के बाद मैं करूँगा ऐड नोट्स, और ऐड नोट्स के लिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू कर दूँगा ये, और इज इक्वल टू हो ये एंड ये बन गया। कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पर क्या करता जाऊँगा? कंट्रोल वी, क्योंकि मैं बाकी इनमें भी ये सेम काम करूँगा। तो इनका नेम यहाँ पर चेंज कर दूँगा। यहाँ पर क्या कर दूँगा? एडिट, और यहाँ पे क्या कर दूँगा? डिलीट। ओके, और बाय द वे ये परफेक्टली यहाँ पे हो गया। और मैं इन तीनों को बुला भी लूँगा कि आ जाओ भाई मेरे, इज्जत से आ जाओ भाई। कंट्रोल सी, और अच्छा ये हमें अभी सेट नोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि हम सेट नोट्स इसमें करेंगे, तो इस वजह से मतलब कि हम सेट नोट्स एड नोट में यूज़ कर लेंगे अपडेट करने वक्त, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे यहाँ से हटाना पसंद करूँगा। हाँ, मुझे एक और जगह याद है, मैंने वहाँ पर भी यूज़ किया है, तो मैं उसे भी उड़ा देता हूँ या थोड़ी देर तक उड़ा दूँगा। तो ये परफेक्टली यहाँ पे एडिट नोट्स ये सब कुछ हमने यहाँ पे बुला लिए हैं। परफेक्ट। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? अब इसके बाद मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं ऐसे करता हूँ, अभी हम एपीआई से तो नहीं ला रहे नोट्स को, या एपीआई में तो नहीं ऐड कर रहे, तो मैं ऐसे करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट एक यहाँ से ना कोई भी ये पकड़ लेता हूँ, ये कंट्रोल सी इसको कर लेता हूँ। मतलब कि कोई एक ख़ुद से एक डमी नोट मैं ले लेता हूँ और उसके ऊपर टू डू भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो समझ रहे हो ना आप लोग? तो मैं यहाँ पर अब क्या करने जा रहा हूँ? यहाँ पर अब ये करने जा रहा हूँ कि मैं एक पहले तो कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। कमेंट में ये कर दूँगा टू डू, मैंने यानी कि अभी ये वर्क करना है। फॉर कॉल एपीआई, मैं एपीआई की कॉल्स एंड पे मारूँगा, क्योंकि उन लोगों के लिए फिर एक वीडियो इजी हो जाएगी मेरे लिए, कि जिनका प्रोजेक्ट रेडी है बट वो चाहते हैं कि एपीआई को कैसे कॉल करें, तो उन लोगों के लिए वीडियो मेरी ईजी हो जाएगी लास्ट वाली। बट मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों को जस्ट पहले इंटरफेस एक रेडी करके दिखा दूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका बैकएंड नहीं रेडी होता, आपने फ्रंट एंड पहले रेडी करना होता है। तो अब आप उस इंतजार में तो नहीं बैठे रहोगे ना कि यार जब तक आएगी तो तब तक मैं करूँगा। अच्छा बाय द वे, मुझे ये ब्रैकेट सभी लगाने की जरूरत थी, मैंने पे कर लिया है। ओके, तो ये काम यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद मैं अब क्या करूँगा? हाँ, यहाँ पर मैं अब एक काम ये करूँगा कि मैं सेट नोट्स करूँगा, और जो है सेट नोट्स करने के बाद हमारा सेट नोट इस नेम से सेट नोट्स करूँगा। सेट नोट्स देखा मैंने, इसलिए नीचे नहीं इसको कॉल किया था, यहाँ से इसी वजह से क्लोज कर दिया था यहाँ से। तो सेट नोट्स करने के बाद, नोट्स करने के बाद मैं क्या करूँगा कि भाई जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं, कौन से नोट्स किधर गए? जस्ट वेट अ मोमेंट, ये देखो जो मेरे नोट्स वेरिएबल में सारे के सारे नोट्स स्टोर हैं, उसको क्या करो? उसको ये कर दो आप डॉट डॉट क्या कर दो, कॉनकैट कर दो, उनमें ऐड कर दो, कॉनकैटिनेट कर दो। एक होता है कॉनकैट और एक होता है पुश। तो पुश और कॉनकैट में यही फ़र्क है कि जो कॉनकैट होता है ना, आप उसके अंदर एक अरे पूरी की पूरी जो होती है ना, एक अरे रिटर्न्स करते हैं, और जो पुश होता है ना उसके अंदर आप अपडेट करते हैं अरे को। ठीक है, समझ आ गया आपको कि हम पुश और कॉनकैट कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो इस काम के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा? यहाँ पर मैं कर दूँगा कॉनकैट, और किसको करना है? नोट को करना है। तो ये परफेक्टली यहाँ पर नोट को ऐड कर देगा, इस वाले नोट को। ठीक है, तो यानी कि जो ये नोट के अंदर ऐड हो वो इसके अंदर कर दे। अब इस नोट के अंदर जो टाइटल वगैरह है वो भी तो चेंज करना है हमने, वो कैसे करेंगे वो सब कुछ मैं करूँगा। बाय द वे मैं इसके टाइटल को ना यहाँ पे जल्दी के ना माई एडिट नोट कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो भी हो तो दिस इज़ माई एडिट नोट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया एडिट नोट। तो मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं जल्दी से पहले तो अपने कहाँ पे चला जाऊँगा? नोट्स में अब चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे मुझे एक और चीज़ याद है क्या, कि मैं इसे सेट नोट्स को कर रहा हूँ। और सेकंड बात अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं ये यहाँ पे सेट नोट्स की भी अभी ज़रूरत नहीं है, सेट नोट्स की तो ज़रूरत नहीं है मेरे लिहाज से, मुझे अभी नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो अगर ना भी हुई तो हटा लूँगा, बट अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, नोट्स की तो अभी है। ठीक है, तो जब ना होगी तो हम उसे भी डालेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ? यहाँ पे सबसे पहले हमारा नोट्स डॉट मैप बना हुआ फंक्शन नोट्स को करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा कि ऐड नोट को बुला लेता हूँ। ऐड नोट को बुलाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड
नोट, और यहाँ पे हमारा ऐड नोट आ जाएगा। फिर इज आवर न्यूज़ आइटम, नोट्स आइटम, सॉरी नोट्स आ गया, और नोट स्टेट, और नोट स्टेट के अंदर हमारा क्या है, ऐड नोट्स है। तो मैं यहाँ पे किसको बुला लूँगा, ऐड नोट्स, परफेक्ट। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ से बुला लिया, कॉन्टेक्स्ट में से कंट्रोल एस करता हूँ। इसके बाद यार मैं एक और काम करने पता क्या जा रहा हूँ, मैं एक ऐड नोट्स का एक अलहदा से मॉड्यूल बनाने जा रहा हूँ। द रीज़न इज डैट, द रीज़न इज डैट, देखो मैं नहीं चाहता कि मैं ना रहा यहाँ पे एक रायता अपलाऊँ, मैं चाहता हूँ कि एक अलहदा से मॉड्यूल हो। मतलब कि आपको एक प्रॉपर बात समझा, एक अलहदा से मॉड्यूल हो, उस मॉड्यूल के अंदर हम पता क्या करें, ये देखो यहाँ से लेके वेर इज़ आवर डिव, तो यहाँ से लेके डिव हमारी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक काम मैं चाहता हूँ कि मैं किस एक मॉड्यूल में जाके सेव कर दूँ। मतलब कि वो मॉड्यूल कैसा होगा, प्रॉपर एक ऐड नोट्स का होगा, यानी कि मैं नहीं चाहता कि एक ही जगह पे ये सारा का ना सारा रायता फैले। यार बाय द वे ये डिव किधर गई, ये डिव किसके साथ, इसके साथ ही, तो मैं ऊपर वाली डिव क्यों लेके जा रहा हूँ, कंट्रोल एक्स करूँगा, अब परफेक्ट, अब एरर देगा। ठीक है, इस करने का और भी वे हैं, यानी कि आप सारा का सारा यहाँ पे भी लिख लो, तो नो इच्छुक, कोई एरर तो नहीं हमें दे रहा था अब तक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा चीज़ों को ना बिल्कुल संभाल संभाल के रखूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऐड नोट्स कर लेता हूँ, ऐड नोट्स यहाँ पे कर लिया और डॉट जे एस कर दिया, तो मेरे लिए बहुत सिंपल होने वाला है। मैं यहाँ पे आर ए एफ सी करूँगा और यहाँ पे जल्दी से सजेशन मुझे आ जाएगा, यहाँ पे मैं इस डिव की जगह अपनी डिव को पेस्ट कर दूँगा, परफेक्ट, जस्ट वेट फॉर इट। ठीक है, मुझे शुक्र आ रहा है, परफेक्ट के कुछ लगते हैं। तो मैं ऐड नोट्स के अंदर आया, तो ऐड नोट्स के अंदर मुझे एक डिव कंटेनर एम वाई थ्री, जस्ट वेट फॉर इट, ऐसे करता हूँ, यस। तो अब ठीक है, और मैं ऐसे करता हूँ, इसको क्लास नेम भी दे देता हूँ, तो वो क्या होगा, उसके अंदर मैं डिव कंटेनर एम वाई थ्री कर लेता हूँ, ये एक होगा कंटेनर और एक एम वाई थ्री कर लेता हूँ। ये आपको पता है आपके मार्जिन हम किस वजह से देते हैं, ओके। तो बाय द वे एक और काम हमारा यहाँ पे हो गया कि मैंने यहाँ पे कर दिया और एम बी थ्री यहाँ पे, तो ये तो डबल डबल हमने एम वाई थ्री दे दी, तो नो इश्यू। मैंने इससे कंटेनर, मैं इसको यहाँ से कंटेनर से हटा के ना ऊपर वाले साइड कंटेनर बना देता हूँ, अब ये परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये तो सब हम एडिटिंग के लिए कर रहे हैं। इस काम के करने के बाद मैं अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा जल्दी से, पहले तो अपना हमारा जो होम है, पहले तो इसको ज़रा यहाँ पे ना सेटिंग ज़रा इसकी होम की कर लें। वेयर इज़ आवर नोट्स, नोट्स तो हमारे हो चुके हैं, और इसके बाद मैं नोट्स के अंदर होम की सेटिंग, वैसे हमें और तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं ना नोट्स के अंदर चाहता हूँ नोट, इसको जो ऐड नोट्स है ना, ये जो हमने एक न्यू कंपोनेंट बनाया, इसको मैं कॉल करूँगा नोट्स के अंदर। ठीक है, इस कंपोनेंट को कहाँ पे मैं कॉल करने जा रहा हूँ, नोट्स के अंदर। तो ठीक है, यहाँ पे मैं आया जल्दी से, और आने के लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं ले आया ऐड नोट्स, परफेक्ट। और ये क्लास भी इंपोर्ट हो गई, ये भी हो गया। अब जाहिर सी बात है हम यहाँ पे, अच्छा ये क्या कह रहा है कि ऐड नोट्स इज़ नॉट, तो ठीक है सर, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आपको मैंने इसका बताया था हल, के इसका हल आपने कैसे निकालना होता, कैसे निकालना होता, ये बिल्कुल एक एम टी ये करके मतलब कंट्रोल वी करके कंट्रोल एस कर देना, ये इसका हल निकला है। अब इसके लिए अब हमें पता है कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट वगैरह को भी यहाँ पे लिखेंगे, तो जो पढ़े थे हमारे एड नोट्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट वगैरह, वेर इज़ आवर कॉन्टेक्स्ट, जस्ट वेट फॉर इट, इधर मैंने किए थे नोट्स, और नोट्स के अंदर ये पढ़े थे ऐड कॉन्टेक्स्ट, हाँ वैसे वायदा भी इसके अंदर तो पहले से ही हैं, मैं क्यों कॉन्टेक्स्ट वगैरह कह रहा था। अच्छा खैर छोड़ो, यहाँ पे ऐड नोट्स ये सब कुछ आ गया, ऐड नोट हमने यहाँ पे कर लिया, और ये हमारे लिए ऐड नोट्स कौन से वाला कह रहा है, ऐड नोट्स इज़ नॉट डिक्लेयर, तो ये अभी किए भी नहीं है हमने, तो ये सारा कुछ यहाँ पे इतना काम हो चुका है। नेक्स्ट काम अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट काम अब मैं ये करूँगा कि बल्कि मैं यहाँ से कॉपी करके ना इसको यहाँ पर तो ज़रूरत होगी ना ऐड नोट्स में, तो यहाँ पर ले जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं कहाँ पर पेस्ट करूँगा, बिल्कुल रिटर्न के ऊपर, तो यहाँ पर मैं आया और कंट्रोल भी कर दिया, परफेक्ट। अभी यहाँ पे मुझे कुछ इशूज़ देगा, वो इशू दिया देगा क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तो मुझे यहाँ यहाँ किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, नोट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए जल्दी से अपने नोट्स आइटम में ही जाता हूँ, नोट्स में जाता हूँ, नोट्स में आने के लिए के मुझे क्या, एक यूज़ कॉन्टेक्स्ट चाहिए, एक नोट कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और ये मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इतने पार्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल वी, परफेक्ट, कंट्रोल एस। तो अब ये मुझे कोई एरर नहीं देना चाहिए नीचे, वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है कि नोट स्टेट डॉट जे एस के अंदर क्या कह रहा है कि भाईजान नोट इज़ नो इज़ कॉन्स्टेंट, नोट इज़ कॉन्स्टेंट, नोट इज़ कॉन्स्टेंट, हाँ ये भी एरर हमें देना था इसने बाद में कि नोट इज़ नॉट डिफेंट, तो मैं इसे कॉन्स्ट कर दूँगा यहाँ पर, कंट्रोल एस, वेरी गुड यार, वीडियो स्टूडियो आप दिल खुश कर देते हो हमारा रियली।
तो बाय द वे और भी यहाँ पे कुछ आ रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, एंड नोट्स इज़ नॉट यूज, तो ये तो हमें पता है कि एंड नोट्स अभी यूज़ नहीं हो रहा, हम इसे बाद में कर लेंगे। खैर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इतना काम हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होने जा रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट काम ये होने जा रहा है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा एडिटिंग करने जा रहे हैं। इसको एडिट करने जा रहे हैं, एडिट ये हम करने जा रहे हैं कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं एक काम ये करने जा रहा हूँ। देयर इज़ आवर एंड नोट्स ही ओपन किया हुआ था, नहीं मैंने किया था। ओके एंड नोट्स के अंदर हम क्या काम करने जा रहे हैं, पहले तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कि ये क्या है, मतलब कि इसको चेंज कर लेते हैं कि हमारा ईमेल एड्रेस नहीं, हम यहाँ पे क्या लेंगे, टाइटल लेंगे। तो टाइटल के लिए मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ, और ईमेल एड्रेस ये जो HTML फॉर ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर टाइटल कर दूँगा। तो यहाँ पर ये टाइटल के लिए आ गया, और यहाँ पर फॉरम लेबल टाइप मैं टेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पर टाइप टेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरम कंट्रोल आईडी, हाँ आईडी भी मैं यहाँ पे टाइटल कर दूंगा, और मैं यहाँ पे एक नेम भी देना चाहूँगा। द रीज़न आपको अभी बाद में पता लग जाएगी क्यों, क्योंकि हम उसके नेम को यूज़ करते हुए ना उसका नेम चेंज करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे, आपको शायद ये मेरी बात समझ आई, तो बल्कि मैंने अभी कॉपी तो किया, मैं क्यों नेम लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी यहीं पर नेम कर देता हूँ। तो ये नेम आ गया, यहाँ पे हमारा ये सब कुछ आ चुका है। हाँ अब यहाँ पे मैं एक और काम ऐड कर देता हूँ जल्दी से, यहाँ पे एक ऑन चेंज भी ऐड कर देता हूँ कि ऑन चेंज मतलब कि जैसे ही ये चेंज होना तो ऑन चेंज हो जाए, तो मैं ऑन चेंज करते वक्त इसे एक ऑन चेंज कर दूँगा। मतलब यार जैसे ही मैं फील्ड के अंदर लिखता जाऊँ ना तो वो चेंज होता जाएगा, ठीक है ना, नीचे जो टेक्स्ट होगा। तो अब यहाँ पे ऑन चेंज ये हो गया, यहाँ पे ऑन चेंज के नाम से हम अभी एक फंक्शन बना लेते हैं, ये उसे कॉल कर रहा है। और सेकंड में काम यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, हाँ इसे भी चेंज करना पड़ेगा हमारा, ये क्या कह रहा है HTML4, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन, और ये कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल यार सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, अच्छा कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल वी, देखा मुझे पता था कि कुछ ऐसे कर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये परफेक्ट है, इतनी देर में तो हमने खुद भी लिख लेना था। खैर यहाँ पे कंट्रोल वी, और मैं आगे जल्दी से नेम इज इक्वल टू करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन ही नेम कर दिया। हाँ यहाँ पे भी मैं टाइप क्या कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन है, जस्ट वेट फॉर इट। तो ये होगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, परफेक्ट, यहाँ पे हमारा काम। अच्छा ये डिस्क्रिप्शन मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो टाइप थी, मैंने समझा ये आईडी है, तो यहाँ पे तो मैं टेक्स्ट करूँगा। ओके परफेक्ट, यहाँ पे हमारा ये काम इतना हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर भी ऑन चेंज लगा देता हूँ। ये मेरी ऐप चला के जो देख रहे हो ना ऑन चेंज वाली, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ कि ये कैसे हो। ये हो गया HTML4 क्लास नेम, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ यार ये चेक मी आउट, ये वाला अभी हम लिखा रहने देते हैं, बाय द वे सबमिट, ठीक है। और यार एक नोट्स के अंदर मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, वेर इज़ आवर होम, तो होम के अंदर हमने ये किया, ठीक है ओके। तो अभी हम होम में कुछ भी नहीं कर रहे, एंड नोट्स यहाँ पे करने के बाद ना, एंड नोट्स यहाँ पे करने के बाद अब हम एक काम और करेंगे। अच्छा ऑन चेंज जो कह रहे हैं नोट डिफाइंड, तो अभी हम कर देते हैं, यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक ऐड कर देता हूँ कि ऑन क्लिक करने पे क्या वो सबमिट भी तो होना। तो ऑन क्लिक के बाद मैं यहाँ पर कर दूँगा ऑन क्लिक, और इसके लिए मैं कर देता हूँ हैंड क्लिक कर लेते हैं, सबमिट क्लिक कर देते हैं, सबमिट क्लिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट नेम रहेगा, हैंड क्लिक हम किसी और काम के लिए यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया टाइप सबमिट, परफेक्ट, कंट्रोल एस मैं करता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। अब उन दो फंक्शंस के अंदर हम क्या हरकत करने जा रहे हैं, उन दो फंक्शंस के अंदर आप हरकत देखिएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। वो हरकत हम ये करने जा रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो मैं दो फंक्शन बना लूँगा कॉन्स्ट करके, क्या कर लूँगा, पहला एक हमारा सबमिट है, तो मैं यहाँ पर सबमिट क्लिक के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि हमारा एरो फंक्शन होगा। एरो फंक्शन होने के साथ साथ वो क्या होगा, वो ये होगा और ये हो जाएगा, परफेक्ट। एक फंक्शन हमारा कंट्रोल सी हो गया और कंट्रोल वी हो गया, और एक हमारा ऑन चेंज मैं बना रहा हूँ। ऑन चेंज के अंदर जो कि मैं चलाकी यूज़ करूँगा वो आप सबके सामने ही होगी, तो वो आप सबसे छुपी नहीं है। तो उस चलाकी को मैं यहाँ पे सर हम वो कहते हैं ना, यानी कि बिल्कुल दिखाने के लिए आप लोगों के सामने, तो मैं आ रहा हूँ, वो ये काम करने हम जा रहे हैं, वो ये काम हम करने जा रहे हैं, मेरी बात सुनो। हम ऑन चेंज के अंदर पता है क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर कर रहे हैं सेट नोट, और सेट नोट करने के बाद यहाँ पे जा रहे हैं, ये हो गया ये सेट नोट कौन सा है हमारे वाला, जस्ट वेट फॉर इट के, ओके सेट नोट को मुझे कॉल यहाँ पे एक हुक बनाना पड़ेगा। मैं सेट नोट मैंने समझा हुक बना लिया, एक हुक मैं बनाऊँगा जो कि पता क्या करेगा, जो कि एक नोट जो हम यानी कि जो हम लिखेंगे उस नोट के अपडेट करेगा, सेट करेगा, सारा कुछ करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, कॉन्स्ट करूँगा, कॉन्स्ट करने के बाद
बाय द वे मैं स्निपेट क्यों नहीं लिख लेता, यूज स्टेट प्रॉपर करके, यूज स्टेट और ये आ गया और ये यूज स्टेट की स्निपेट भी आ गई और मैं इसका नाम कर देता हूँ नॉट। परफेक्ट, तो सेट नोट यहाँ पे आ गया। और सेकंड इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर, हाँ इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ कि तीन चीज़ें लूँगा, क्या लूँगा, टाइटल लूँगा, डिस्क्रिप्शन लूँगा, टैग लूँगा। तो क्योंकि यही तो तीन चीज़ें लूँगा, और टैग को मैं ऐसा करता हूँ अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। तीन चीज़ें मैं यहाँ पर लूँगा, पहले काम क्या करूँगा, टाइटल लूँगा अभी इसे खाली, और डिस्क्रिप्शन लूँगा, डिस्क्रिप्शन और इसे भी खाली छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर क्या लूँगा, यहाँ पर लूँगा टैग। टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, टैग के अंदर मैं ये काम करूँगा कि टैग को मैं कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। अभी अभी मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रख देता हूँ, टैग को भी मैं मेंटेन नहीं करूँगा, क्योंकि टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो हमारी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ऑन चेंज इसको खुद चेंज करना चाह रहा हूँ, इस वजह से ऑन चेंज आया था। मैं बताता हूँ कैसे कैसे। अब देखो मेरी बात सुनो, सबमिट पे तो सबमिट होगा होगा, ऑन चेंज पे क्या होगा, ऑन चेंज पे ये होगा कि जैसे ही मैं टाइटल की फील्ड के अंदर कुछ लिखूँगा तो टाइटल चेंज हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो यानी कि रन टाइम पे चेंजिंग होगी, समझ आ रही है। तो ये मैं आपको जब मैं करके दिखाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किसको लेके आ रहा हूँ, सेट नोड को लेके आ रहा हूँ। सेट नोड को करने के बाद मैं यहाँ पे किसको लेके आऊँगा, थ्री डोर्स लगाऊंगा। थ्री नोड्स का मतलब ये होता है कि जो उसे फोर्स करेगा कि भाई इस वेरिएबल को आपने चेंज करना है, किस वेरिएबल को चेंज करना है, नोड को चेंज करना है। पहले इसका मतलब क्या कि पहले क्या दिखाना है, आपने नोड वाला दिखाना है। ठीक है, उसके बाद आपने चेंज किसको यूज करते हुए करना है, टारगेट करूंगा मैं, टारगेट किसके नेम्स को करूंगा इनके। एक इवेंट यहाँ पे बना लेता हूँ, इवेंट को मैं ई का नेम दे देता हूँ, आप चाहे शीला दे दो, ठीक है नो इशू। तो मैं जल्दी से ई यहाँ पे दे दूंगा, ई करते हुए मैं ई करूंगा डो टारगेट करूंगा टारगेट, और ये टारगेट हो गया इनको, इनके नेम को, ये नेम टारगेट हो गए। और इसके बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं हो गया ई डॉट टारगेट करूँगा, इसको करूँगा अब वैल्यू को, कि अब उनकी जो अंदर वाली वैल्यू है, समझ आई आपको। नेम नेम की जगह क्या आ जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे नेम यूज़ किया था, नेम की जगह आ जाएगा टाइटल, तो टाइटल की वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो अगर डिस्क्रिप्शन हुआ डिस्क्रिप्शन की वैल्यू हो जाएगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे नेम यूज़ किया था। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तो ये काम हो गया। अब इसके बाद ये हमारे यहाँ पे परफेक्टली ये साइड नोट भी हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं ऐसा करूँगा कि जल्दी से क्या काम कर लेते हैं हम, हमारा ये जो है सेट नोट्स इज़ नॉट डिफाइंड, ये नीचे एरर आ रहा था, सेट नोट इज़ नॉट डिफाइंड, मैं कंट्रोल एस करके देखता हूँ क्या ये जाता है कि नहीं जाता। तो जल्दी से मैं ये देख लेता हूँ, इधर हम अपनी ज़रा नोट स्टेट को भी देख लेते हैं कि आखिर वो क्या कर रही है। नोट स्टेट के लिए हमारा सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है, और एड नोट हमने यहाँ पे ओके, बाय द वे यहाँ पे हमारा एड नोट्स कॉन्स्ट हो चुका है और यहाँ पे परफेक्टली। अच्छा यहाँ पे ना ये फंक्शन हमने ऐड नोट्स किया तो है, हम ऐड नोट्स यहाँ पे यूज़ तो कर रहे हैं नोट्स के अंदर, वेर इज़ आवर ऐड नोट्स, तो ये देखो हम नोट्स अंदर यूज़ तो कर रहे हैं, वेर इज़ आवर ऐड नोट, हाँ ये देखो। तो मैं चाह रहा था कि इसको यहीं से ना यहाँ से वैल्यूज़ भी जाएँ, तो मैं जल्दी से जाता हूँ अपने ऐड नोट्स में, ऐड नोट्स के नहीं सॉरी नोट स्टेट में जाता हूँ। नोट स्टेट में जाके यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यूज़ यहीं से उसे देता हूँ। टाइटल हो जाएगा, टाइटल हमारा क्या हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन हो जाएगी एक हमारी, और टैग तो आपको पता डिफ़ॉल्ट है, बट टैग को पास भी तो करवाना है ना, तो ये पास हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद हमने वहाँ पे हमारा जो था वर्क वो हो चुका है। इधर गया ये देखो, इधर गया हमारा एड नोट्स, एड नोट्स में हमारा ये वर्क हो चुका है। अब हमने किसके ऊपर वर्क करना है, सबमिट क्लिक के ऊपर। तो सबमिट क्लिक के अंदर मैं अब जस्ट इतनी सी एक काम करूँगा, वो काम मैं क्या करूँगा, अच्छा बाय द वे हमें एड नोट्स और यहाँ पे नोट्स की तो अभी ज़रूरत नहीं है, और ये एड नोट्स अभी तक हमने यूज़ भी नहीं किया, तो इसे यूज़ कर लेते हैं। तो एड नोट्स को मैं यहाँ पे ऐड नोट्स को करने जा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, किसको ऐड करेंगे, नोट को ऐड करेंगे, और नोट किसके बराबर होगा, नोट किसके बराबर होगा, इस फंक्शन के बराबर। ठीक है, टाइटल टाइटल के बराबर हो जाएगा, यानी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर, टाइटल की हो जाएगी अगर टाइटल हुआ, डिस्क्रिप्शन किसके बराबर हो जाएगी, इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। इस वजह से ये ऑन चेंज बनाया था। अब आपको समझ आ रही थोड़ी सी, क्योंकि इसका तो काम है कि जस्ट ऐड कर देना, सबमिट कर देना, असल मेन काम तो ये कर रहा है ये, अगर सच पूछो तो। ठीक है, कंट्रोल एस करूँगा यहाँ पे, और कंट्रोल एस करके ही आगे जाना पसंद करूँगा। बट यहाँ पे एक और काम मैं करने जा रहा हूँ, कि वो पहला तो मुझे कह रहा है कि आपने यूज स्टेट नहीं की एड नोट्स में, तो हाँ बिल्कुल यू आर राइट, मैंने यहाँ पे यूज स्टेट को इम्पोर्ट नहीं किया, या मैं यहाँ पे जल्दी से कोमा लगा के अंदर यूज स्टेट ही लिख देता हूँ, यूज स्टेट। तो ये हमारा यहाँ पे
स्टेट आ जा भाई, स्टेट की स्पेलिंग आई नो गलत हो गया। ओके अब स्टेट ठीक है, हमने यू स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। अब सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ, हाँ एक इवेंट तो हम यहाँ पे करवाना भूल गए, ये आखिर एक इवेंट ही है ना, सबमिट का इवेंट है। और मैं ऐसा करता हूँ कि इसे प्रीवेंट डिफॉल्ट कर देता हूँ, कि इससे पता क्या होगा, इससे ये काम हो जाएगा कि ये प्रीवेंट मतलब कि प्रीवेंट करेगा कि बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ भी स्टोर ना हो जाए, ठीक है। तो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर इट, और ये प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने कर दिया। तो यहाँ पे इसे क्लोज़ करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा। तो अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, मुझे तो लगता है कुछ खिचड़ी बन गई होगी शायद, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी हमें कंपाइल हो चुका है, यहाँ से कंपाइल हो रहा है, परफेक्ट यार, अभी तक कोई एरर तो नहीं आया। तो यहाँ पर मैं एक नोट का ऐड करना चाह रहा हूँ, आमिश, और यहाँ पर देख रहा था दिस इज़ प्रोग्रामिंग हंट। तो मैं करता हूँ सबमिट के बटन पे क्लिक, माय एडिट नोट और दिस इज़ माय एडिट नोट्स, तो मतलब कि नोट्स ऐड हो रहे हैं। मगर यहाँ पे एक हरकत हो रही है, एक हरकत ये हो रही है कि जो मैं ये अंदर लिख रहा हूँ ना, जो कि ये लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब कि ये चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। तो मैं इन्हें सेट कर लेता हूँ, इन्हें मैं सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, कॉन्केट मैंने वहाँ पर यूज़ कर लिया था, और कॉन्केट करने के बाद एक और काम मैं यहाँ पर करना पसंद क्या करूँगा यार, हाँ मैंने एक हरकत नहीं की, वो हरकत क्या है, जस्ट वेट फॉर इट, कि नोट्स एड में जाता हूँ मैं, यहाँ पे कॉन्केट मैंने यूज़ कर लिया। अबे यार शेख साहब, बाय डिफ़ॉल्ट जब हरकत करोगे तो यही तो काम होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो, ये देखो इधर आपने ये लिखना था डिस्क्रिप्शन, ये देखो इधर आपने क्या कर देना टैग, ये चबल आपने मारी है वहाँ से, कंट्रोल एस, वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि नोट बनना कैसे ऐड होगा। मगर 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 मसला पता क्या आ रहा है, ये जल्दी से कंपाइल हो जाए, यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, हो चुका है कंपाइल परफेक्टली आमिश, और शाबाश ये यहाँ से यही उड़ गया। तो मैं देखता हूँ कि अभी इसका क्या बना है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, जल्दी से इंस्पेक्ट करना पसंद करूँगा, इंस्पेक्ट किया। और बाय द वे हम अपने कोड को भी देख लें कि एड नोट्स क्या किए, यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा, इंस्पेक्ट में जाना, कंसोल में जाऊँगा, तो कंसोल यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस इज़ एरर अबव, क्या कह रहा है, अच्छा ये तो अब ये है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल रिएक्टेड होम, ठीक है, ये कह रहा है फाउंड ऑब्जेक्ट, क्या कह रहा है ये, थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं ये, और हमें क्या कह रहा है, अबव एरर एज फाइव फकर्ड, ये भी क्या कह रहा है, देखते हैं इस एरर को, देखते हैं नोट्स आइटम के अंदर जाके कुछ टू यहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड, ठीक है देखते हैं सर, नो इश्यू। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक और वार्निंग आ रही है हमारे ऐड नोट्स की, किधर के अंदर नोट्स, वेर इज़ आवर नोट्स, तो यार ये छोटे छोटे तो अब आपको पता है एरर्स आते रहते हैं, तो यार पहली तो बात ये कि ये अब यूज़ नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, बल्कि बाय द वे मैं इसे अभी नहीं हटाना पसंद करूँगा। हमारा क्या कह रहा था, वो ऐड नोट्स के अंदर इशू दे रहा था, एच फाइव वेर इज़ एच फाइव, हमने एच फाइव को कहाँ पर यूज़ किया, तो हमने एज फाइव को यहाँ नहीं था, वेर इज़ आवर नोट्स, नोट के अंदर एज फाइव यूज़ किया था, हम यहाँ पे एक इशू दे रहा था, मैं देखता हूँ इसे, जस्ट वेट फॉर इट। तो ओके गाइज, यहाँ पे मुझे मिस्टेक पता लग गई है, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे नोट्स के नाम से पहले ही एक बना चुका हूँ मैं, ये देखो ये नोट के नाम से पहले ही एक बना पड़ा, तो मुझे यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मैं इसी का नेम चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ नोट इनिशियल, इसका नेम रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ इसका भी नेम नोट इनिशियल, यानी कोई भी नेम रख लो आप, मतलब चेंज होना चाहिए। अब हम सेम वेरिएबल का जब बनाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ना, तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अब देखते हैं यहाँ पर ये कंपाइल जल्दी से हो जाए, तो ये कंपाइल हो चुका है और परफेक्ट, अब यानी कि कोई इशू नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर जल्दी से लिखता हूँ आमिश, और दिस इज़ प्रोग्रामिंग हंट, परफेक्ट, और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, फिर ये गया, फिर ये क्यों गया, फिर ये क्यों गया, यहाँ पे मैं जल्दी से इसके बारे में देख लेता हूँ, इंस्पेक्ट करके कंसोल देखते हैं। ओके यहाँ पे ये क्या मिस्टेक हमारी बार बार शो कर रहा है, जो कि हमसे मिस्टेक हो गया, यकीन कह रहा है इफ़ यू हैव टू रेंडर फ्रॉम चाइल्ड एंड अरे यूज़ एंड अरे इंस्टेड, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड। ओके गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि यार देखो मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे तो डायरेक्टली नोड को करवा रहे हैं, लेकिन नोड की क्या चीज़ को करवा रहे हैं ये भी तो हमने बताना था ना, हम थ्री पैरामीटर्स पास करवा रहे थे, तो इसी वजह से बार बार कह रहा था कि टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग इज़ नॉट डिफाइंड, ये वो, तो मैं इसे बार बार अब यही करूँगा, नोड डॉट डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पर कर दूँगा, और मैं यहाँ पर कर दूँगा टैग, सॉरी नोड डॉट टैग को,
तो ये टैग हमने डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कर दिया, यहाँ से हम उसकी वैल्यूज लेंगे। तो कंट्रोलर्स करके देखते हैं, अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन वर्क करेगी या नहीं करेगी, अल्लाह करे अब तो करनी चाहिए भी, क्योंकि अब तो ये हो गया। और मैं यहाँ पे करता हूँ आमिश, और यहाँ पे मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ आमिश इज़ अ प्रोग्राम, चलो यही लिख देता हूँ जल्दी में। ओके तो मैं करता हूँ सबमिट। वेरी गुड, देखें गाइज यहाँ पे हमारे पास अच्छा क्या। अच्छा बाय द वे यहाँ पे टाइटल क्यों नहीं शो हो रहा, मैं डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं शो हो रही, मैं डिस्क्रिप्शन का भी देख लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन यहाँ से, ओके एक सेकेंड, ये डिस्क्रिप्शन तो यहाँ से जा रही है, तो बाय द वे डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं शो हो रही, ये यहाँ पे शो होने की वजह क्या है। वेर इज़ आवर नोट्स आइटम्स, तो मैं यहाँ पे आइटम्स को देख लेता हूँ। तो टाइटल हमने शो करा है, ओके यहाँ पे कंट्रोल सी करके मैंने टाइटल को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पे जल्दी से डिस्क्रिप्शन करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, और ये भी एज अ प्रॉप एक पास कर रहा हूँ, तो ये किस में पास कर रहा था एज अ प्रॉप, इसको भी मैं देखूँगा। और जस्ट वेट फॉर इट, मैं नोट्स में आया और यहाँ पे इधर हम मैं अपनी नोट्स आइटम की क्लास को यूज़ कर रहा हूँ एड नोट्स, और एक सेकेंड जस्ट वेट फॉर इट, देयर इज आवर नोट नोट्स आइटम को वैसे यार बाय द वे हम यूज़ किधर कर रहे थे, मुझे तो ये भी नहीं याद रहा क्या गया एड नोट्स नोट आइटम्स ये रहा। अच्छा यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ कि इसका तो कंट्रोल ठीक है, परफेक्ट कंट्रोल एस किया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अपना वर्क करके कि यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे टाइटल को भी शो करवा देना चाहिए। तो मैं सबमिट के ऊपर क्लिक किया, तो देखते हैं मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आई है कि नहीं आई। तो गाइज हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे प्रॉब्लम मिल चुकी है, मैंने ये लेबल में लिख लिया है, और जबकि मुझे पता भी है कि मैंने कहाँ पे इसको यूज़ करना था, यहाँ पे यूज़ करना था ऑन चेंज में, तो मैंने ऑन चेंज को कहाँ पे यूज़ करना था इनपुट में। तो अब यहीं से आपको एक डिफरेंस भी पता लग गया होगा, देखो जो हम कितना कुछ लिख रहे थे इनपुट में बट हमारा नहीं प्रिंट करवा रहा था डिस्क्रिप्शन वाला, क्योंकि मिस्टेक ये थी कि हमने ऑन चेंज ही नहीं लगाया। तो ऑन चेंज का ये फ़ायदा था जो कि हमने ये फंक्शन बनाया, मैंने कहा था ना सारा फ़ायदा इसी चीज़ का है। तो कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पे, ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने के बाद मैं इसे एक दफ़ा रीलोड भी कर लेता हूँ। बाय द वे मैंने अभी इसे ट्राई करके देखा, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, तो यही हमारा इशू दे रहा था। तो मैं तो बहुत खपा हूँ इसे इशू के लिए, तो मैंने लेकिन वीडियो पॉज कर ली थी आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आमिश इज़ द प्रोग्राम है, ठीक है, तो गेस कीजिएगा मैंने सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो आमिश इज़ द प्रोग्राम है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग हंटर, मैं यहाँ पे टाइटल भी चेंज कर देता हूँ हंटर, तो यहाँ पे ये भी चेंज होगा। वेरी गुड परफेक्ट। अच्छा ये लाइन यहाँ पे शो हो रही थी, मैं इसे ज़रा ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये हम कौन से यहाँ पे कोई ईमेल वगैरह करवा रहे हैं, मतलब कि ये देखो वी विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स, तो हम ये यूज़ नहीं कर रहे तो हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। परफेक्ट, यानी कि ये काम ऐसे ये वर्क आ रहा है। तो आप इसके बाद जितने मर्जी नोट्स ऐड करें तो ये ऐड होते जाएंगे। हम यही वर्क इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर करेंगे कि एडिट और डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो कैसे वो चेंज होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो ने तो हमें थोड़ा सा खपाया है, वो भी माई मिस्टेक, क्योंकि लेबल के अंदर ऑन चेंज कैसे वर्क करेगा, कभी भी नहीं। तो ओके गाइज अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।